अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस अकाउंट में। लगता है ऑनलाइन आ गई। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं, दिशा के अकाउंट पे क्या कर रहा हूं। उस सबसे बड़ी बात कि दिशा कहां है। ये रही आपकी दिशा। दिशा कहां हो तुम? कौन है वहां पे? Don't try. आप सब लोगों ने दिशा के रील्स तो बहुत देखी होंगी है ना दिशा? लेकिन आज हम कोई रील नहीं बनाएंगे, आज हम खेलेंगे एक गेम। तुम भी खेलोगे? You want to play? तुम भी खेलोगे? मैं भी खेलूंगा। जानना चाहेंगे उस गेम का नाम क्या है? गेम का नाम है मारो या मरो। गेम के लिए हमें चाहिए दिशा, इसको कुछ मत करना। नहीं, बेबी देखो ना हमारी वीडियो में कितने व्यूज आ गए। यू बोथ आर सो ब्यूटीफुल, सो लविंग। एक दो कमेंट ही है वैसे। हेलो, फोन दिखाओ मुझे। ये नीचे वाले कमेंट पढ़ो, क्या लिखा है। पूरी दुनिया में आपको यही मिला है। चांद तारे मांग लेती, महंगे गिफ्ट मांग लेती, सब दिला दूंगा, बस इसे छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। और ये वाला पढ़ो। मैडम जी, पूरी दुनिया में आपको यही लप्पू सा राघव मिला। लप्पू सा राघव? तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे दुनिया वालों की बातों का फर्क नहीं पड़ता, पता है क्यों? क्योंकि मेरी दुनिया तो तुम ही हो।
अच्छा जी। हाँ जी, आज के समय पे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक वफादार, सच्चा, केयर करने वाला, हमेशा साथ खड़े रहने वाला और इतनी अच्छी कॉफी बनाने वाला पार्टनर बड़े नसीब से मिलता है। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। ये दुनिया वाले ठीक से प्यार भी नहीं करने देते। फुल ड्रामा हो तुम भी। तुम्हारे दीवाने ने फिर से तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। ओ, साथ में प्रेम पत्र भी है। लिखा है, डियर दिशा, तेरी तस्वीर को देखकर ही सोता हूँ, तेरी तस्वीर को देखकर ही जागता हूँ, प्यार बहुत करता हूँ तुझसे, पर सामने आने से डरता हूँ, तुम्हारा दीवाना। क्या बकवास है? शायरी भले ही बकवास हो, लेकिन डिजिटल फिल्म कितना अच्छा है, देखो। इसे तो मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगी। यार ये है कौन, जो ना नाम बताता है ना पता, बस गिफ्ट और लेटर भेजता रहता है। पता नहीं होगा कोई सरप्राइज फैन, मुझे क्या। अंजी बेबी, मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ मंगाया है, दिखाऊं? अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है, ये वाला या ये वाला? यार जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी वही अच्छा लगेगा। अरे अब ऐसे कैसे पता चलेगा, दो मिनट आके चेक कर लो ना खुद। अरे यार 2 महीने बाद मेरे प्रीलिम्स के एग्जाम्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अब तुम ना अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बाय, लव यू। बाय, लव यू टू। क्या बात है भाई, इतना तैयार शार होके कहाँ जा रहा है? यार वो दिशा से मिलने। भाई यूपीएससी का एग्जाम इतना इजी नहीं है जितना तुझे लग रहा है, जो तू गर्लफ्रेंड का टाइम पढ़ाई को दे रहा है और पढ़ाई का टाइम गर्लफ्रेंड को। देख भाई बुरा मत मानियो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दिशा के चक्कर में तू अपनी जिंदगी की दिशा भटक जाए। यार वो ऐसी लड़की नहीं है आर्यन, तू जानता है, और तूने भी देखा ना, जैसे उसे पता लगा कि मैं स्टडीज कर रहा हूँ उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, और अगर कभी मैं कोशिश भी करूँ ना भटकने की तो कान खींच के सीधा ट्रैक पे ले आएगी मुझे।
हम दोनों को पता है कि कब किसको कितना टाइम देना चाहिए, तो तू टेंशन मत ले, चिल कर। सी यू ब्रो। हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, राघव भी ठीक है, बस उसके प्रीलिम्स एग्जाम्स हो जाए। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ आपने हमारी वो रील देखी? हाँ वही वाली, उसे कितना पसंद कर रहे हैं ना सब। मम्मा एक मिनट मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, कोई आया है? हाँ ठीक है। तुम तो पढ़ाई कर रहे थे ना, हो गई पढ़ाई? हाँ। अंदर चलो। देखो भाई मुझे ना कुछ नहीं पता, मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए तो मतलब चाहिए। अब तो मम्मी भी पूछने लगी है कि कब बनूंगी मैं मिस से मिसेस राघव सिंह कलेक्टर साहब की पत्नी। यार लाल बत्ती मिलेगी या नहीं वो नहीं पता, लेकिन हाँ तुम अधिकारी की पत्नी मिसेस राघव सिंह जरूर बनूंगी। अच्छा ऐसे कैसे, पढ़ाई छोड़ के तो तुम यहाँ आ गए हो। यार एक दिन में कौन सी पढ़ाई हो जाएगी, और वैसे भी अभी एग्जाम्स को 2 महीने बाकी है। तो ठीक है एग्जाम तक सिर्फ पढ़ाई, हाँ नो मिलना नो रोमांस। ओके ओके डन। अच्छा परफ्यूम्स का है? अरे हाँ चलो। एक मिनट, खुद की बॉडी पर ना स्मेल समझ में नहीं आती। अच्छा जी। हाँ जी। दोनों ही बेकार है, सबसे अच्छी स्मेल तो तुम्हारी है। ये मंजूर है हमें कि आप हमारे नहीं, पर ये मंजूर नहीं कि कोई और आपका। बस मैं और आप होने चाहिए इस दुनिया में, फिर चाहे ये दुनिया हो या ना हो। डियर दिशा, पिछले 2 सालों से हम आपको खत भेजकर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे प्यार को बहुत हल्के में ले रही हैं। कभी आपने अपनी स्टोरी में हमें थैंक्स तक नहीं कहा,
हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इतना कि अब ना रहा जाता है और ना सहा जाता है। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारी नहीं हुई तो हम आपको किसी का नहीं होने देंगे। लव यू जान, जान से भी ज्यादा। अच्छा, बड़ी भाषा ये। तो भाषा की बड़ी है, ये धमकी दे रहा है मुझे। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? उसने कहा ना कि अभी तक तुमने उसके लिए एक स्टोरी भी पोस्ट नहीं की, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें फॉलो करता है। तुम एक काम करो, एक वीडियो बनाओ उसके लिए और मिलने बुलाओ उसे, फिर देखना उसका क्या हाल करता हूँ। नहीं राघव, मैं ऐसे सरफिरों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये यही चाहता है कि पहले मैं इसके लेटर पर रिएक्ट करूँ और फिर से मेरे मुंह लगने का मौका मिले। हमें इसकी पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी राघव। यार दिशा, नाम बंदे का नाम जानते हैं ना, एड्रेस जानते हैं, घर के बाहर कब गिफ्ट रख के जाता है हमें ये भी नहीं पता, आज तक हमने उसे कभी देखा नहीं, तो पुलिस किस बेसिस पे एक्शन लेगी? एक आइडिया है। हो गया है सर, अब आपने मोबाइल में इसका फुटेज देख सकते हैं। ओके, चलता हूँ मैं सर। थैंक यू, वेलकम। अरे चिल करो, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। दिन रात मोबाइल में लाइव फुटेज देखने से वो दिखाई नहीं देगा। हफ्ते भर से तुमने अपनी आंखें घुसा रखी है इसमें। शाखा, मुझे लगता है उसको सीसीटीवी के बारे में पता चल गया, तभी उसने गिफ्ट्स और लेटर रखना बंद कर दिया है। यार उसके आने जाने का कोई पैटर्न है क्या? फिर जब उसको आना होगा ना वो आ जाएगा। हमें सिर्फ सुबह और शाम को सीसीटीवी का फुटेज चेक करना है। दिन रात तुमने फोन में देख देख के अपने पूरा चेहरे का रंग उड़ा दिया। इतनी टेंशन मत लो, तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो और रील्स बनाओ। कितने दिन हो गए तुमने एक भी वीडियो को पोस्ट नहीं किया। राघव, तुमने भी तो कितने दिनों से पढ़ाई नहीं की है, इस घर जाओ और पढ़ाई करो, प्रीलिम्स में दिन ही कितने बचे हैं। बेबी, मैं कल सुबह घर जाके अपनी बुक्स ले आऊंगा और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता ना तब तक मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। राघव, तुम मेरे सामने फोकस नहीं कर पाओगे, समझो। मैं तुमसे अलग रहकर तो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाऊँ, क्या पता जब तुम घर पर अकेली हो और आधी रात में उसने तुम पर अटैक कर दिया तो मैं होना चाहिए ना तुम्हारे पास। No!
बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बताएं कितना? ये देखो, सीना चीरकर नाम लिख सकते हैं तुम्हारा, और अगर तुम्हें किसी ने छुआ तो उसका सीना फाड़ भी सकते हैं। अरे तुम क्यों डर रही हो? से तो प्यार करते हैं ना, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, तुम्हें तो बस समझाने आए हैं। मारी हो जा, नहीं तो किसी की भी नहीं होने देंगे। दिशा, राघव, दिशा, राघव, राघव, तुम ठीक हो ना? राघव, शांत हो जा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ? राघव बात जो कह रहा हूं सुनना जरा गौर से, अपने तक ही रखना इसे, ना कहना किसी और से, वरना बात हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और इज्जत तुम्हारी मिट्टी में मिल जाएगी। मैं चाहूं तो इसे इंटरनेट पे भी डाल सकता हूं। वैसे भी आजकल इस तरीके की वीडियो का बहुत चलन है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं दिशा। अब इसे धमकी समझो या जो भी, छोड़ दो सबको, छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। ठीक, और कुछ पता है उसके बारे में? जी सर। सर हमें जरा भी भनक नहीं थी कि इसके अंदर भी कैमरा हो सकता है। हमें ये बचपन से सिखाया जाता है कि अजनबियों से कुछ ना लिया जाए। आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती? सॉरी सर। कैसे पकड़ेंगे इसे? ना नाम है ना पता है, डिजिटल एड्रेस भी नहीं उसका, उसने तो आवाज भी बदली हुई थी। मालूम है सर, इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप इसे पकड़ नहीं सकते। आपको जब सब पता है तो हमारे पास क्यों आए? सर एक्चुअली कुछ दिनों बाद मेरे सिविल सर्विस के एग्जाम्स हैं और दिशा घर पर अकेली होती है, इसलिए सर मुझे 24 घंटे का पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए दिशा के लिए, और मैं ये सर ये एप्लीकेशन भी लिखा। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ से जा सकते। ओके सर, आगे हम देख लें। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है दिशा, पुलिस 24 घंटे घर के बाहर रहेगी, ठीक है? चल दिया आता हूं।
हाय गाइस, रात के 3 बज रहे हैं और आजकल मुझे नींद नहीं आ रही है। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि आपने डोरबेल रिंग की थी क्या? दिशा के सपने को पूरा करना होगा तुझे, क्योंकि ऐसे क्लियर करनी होगी दिशा के लिए। हिम्मत रख। ये तो वही खुशबू है जो परफ्यूम दिशा ने मुझे दिया था। ये तो सेम हैंडराइटिंग है, इसका मतलब। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। We are sorry, राघव, हम दिशा को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। उसने हमारे लेडी हवलदार को भी बेहोश कर दिया इंजेक्शन देके, और फिर दिशा को उसने मार दिया सर, मार दिया दिशा को मेरे सामने लाइव। मैं कुछ नहीं कर पाया सर, ना आप कुछ कर पाए और ना ही कोई और। हम दिशा को बचा नहीं पाए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगले 24 घंटे में वो हमारी गिरफ्त में होगा। कैसे कैसे सर? पुलिस वालों के सामने लेके गया उसे वो। हम उसकी लाइव लोकेशन को ट्रेस करेंगे, वो जहाँ से भी लाइव स्ट्रीम हुआ होगा उस सारे जगह को, उस एरिया को ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद हम उसे ढूंढ निकालेंगे, वादा करता हूँ आपसे, भरोसा रखें। सबको लग रहा होगा कि तुम मर गई, पर मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ दिशा? मैं तो बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं तो बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। डर गई? हाँ, दिशा तो डर गई। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मुझसे, क्योंकि तुम तो मेरी जिंदगी हो। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। दिशा तो मर गई, दिशा मर गई, दुनिया वालों के लिए तो दिशा मर गई। कुछ कहना चाहती हो?
कहना चाहती हूँ। जल्दी कहो, जल्दी कहो, कब से मेरे कान तरस गए थे ये सुनने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कहो, जल्दी कहो। अरे तुम्हारा मुंह तो खोला ही नहीं मैंने। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा। आज से नहीं, बचपन से। दिशा, दिशा, अरे दिशा मेरी बात तो सुन, दिशा, दिशा मेरी बात तो सुन, दिशा मेरी बात तो सुन, दिशा मेरी बात सुन। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, कल प्रिंसिपल से जाके तुम्हारी शिकायत करती हूँ। इतनी तो दिया है, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुमसे अच्छे से बात क्या कर ली, स्माइल क्या कर दी, तुम इसे प्यार समझ बैठे, पूरी क्लास में फैला दिया हमारा चक्कर चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ? जाहिल, ये पढ़ने की एज है, प्यार करने की नहीं। मेरी को बस अपनी फीलिंग्स अपने पास रखो और मुझसे दूर रहना। उस थप्पड़ का बदला ले रहे हो तुम? अगर बदला लेना होता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता मैं, जैसे तुमने मेरी की थी। याद है ना, वो लेटर प्रिंसिपल को जाके दिया तुमने, प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से ही बाहर निकाल दिया। पापा ने इतना मारा कि उनकी मार का दर्द आज तक है। 2 साल, पूरे 2 साल तक कहीं एडमिशन नहीं मिला। अगर ये बदला नहीं है तो इतने सालों बाद ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, अच्छे से पता है मुझे। मैं अभी आता हूँ। मैं ये लगाने के बाद पसंद करोगी ना मुझे? कहोगी ना कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ? रुको, ये लो, स्मेल करो, पसंद आया? पागल हो गया तुम? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? कैसे जाने दूँ? बड़ी मुश्किल से तो मिली हो मुझे। बिल्कुल सही कहा था राघव ने, किस परफ्यूम से अच्छी स्मेल। तुम्हारी है। बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ। बचाएगा तू?
राघव। राघव मत रो मेरे भाई, दिशा का वो वीडियो मैंने भी देखा था, रोने से कुछ नहीं होगा राघव, दिशा के सपने को पूरा करना होगा तुझे, यूपीएससी क्लियर करनी होगी दिशा के लिए, करेगा ना, हिम्मत रख। ये तो वही खुशबू है जो परफ्यूम दिशा ने मुझे दिया था। ये तो सेम हैंड राइटिंग है, इसका मतलब आर्यन। मेरा रूममेट लेके मेरी गर्लफ्रेंड पे नजर रखता है, जो मारा तूने दिशा को, बोल। सर वो लड़का मेरे घर पे, आप जल्दी आ जाओ। गेट रेडी फास्ट, क्रिमिनल मिल गया। सर उस लड़के का लोकेशन राघव के घर के आसपास ही दिखा रहा है। पहले राघव के घर चलते, वो वहीं है। फास्ट आओ। तुझे क्या लगा, तुझे पता लग गया, पुलिस को पता लग गया तो पकड़ा जाऊंगा मैं। अरे पुलिस की नाक के नीचे से लेके गया हूं दिशा को, जानता है क्यों? Because I'm the genius, genius! और दिशा मरी नहीं है, जिंदा है दिशा, मरेगा तो तू, क्योंकि दिशा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। तुझे क्या लगा, तुझे पता लग गया, पुलिस को पता लग गया तो पकड़ा जाऊंगा मैं। अरे पुलिस की नाक के नीचे से लेके गया हूं दिशा को, जानता है क्यों? Because I'm the genius, genius! और दिशा मरी नहीं है, जिंदा है दिशा, मरेगा तो तू, क्योंकि दिशा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। दिशा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जल्दी आ फास्ट, यहां से भागने का टाइम आ गया दिशा। लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना, बहुत प्यार करता हूं, कुछ नहीं होगा।
ये तो मर गया। ज्यादा दूर भाग कर नहीं गया होगा वो। सारे एरिया को सील कर दो जल्दी फास्ट। यस सर। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। बैग देखो, रुक। बोल तूने राघव को कैसे मारा? अरे इसकी सांसें तो अभी भी चल रही है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो फास्ट। तेरी इस जलील हरकत की वजह से ना जिंदगी भर अब तू जेल में सजा काटेगा, समझे? लेकर जाओ इसे।